लेबनान का नाम सुना है? मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी कंट्री है जहाँ करीब 7 मिलियन लोग रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखने की ये है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जहाँ एक साइड मेडिटेरेनियन सी, एक तरफ सीरिया और साउथ में इजराइल। वी आर टॉकिंग अबाउट लेबनान बिकॉज द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री हैज स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस टू वॉट इज हैपनिंग टू भारत। और उन सब इंडिकेटर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लेबनान के साथ हुआ वही भारत के साथ होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि क्या हुआ है भाई ऐसा, वो तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही, पर ये जान लीजिए कि इट्स वेरी बैड, वेरी बैड। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा और आपके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित है उस देश में, तो जाग जाओ। इस नींद से जितनी जल्दी जागोगे उतना अच्छा है। इफ यू डोंट वेक अप ऑन टाइम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग भारत फ्रॉम बिकमिंग अनदर लेबनान। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। ।1956 तक लेबनान में मैरोनाइट क्रिश्चियन मेजॉरिटी में थे, अप्रॉक्सिमेटली 54% ऑफ द पॉपुलेशन। Lebanon and Israel, these were the only two democracies in the Middle East and also the only two non-Muslim countries. तो उसका जो conclusion आपको निकालना है आप निकाल लिए। Beirut, which was also called the Paris of the East, एक trade center हुआ करता था, और चूंकि इस country की geographical location ऐसी थी कि Middle East के सारे refugees वहीं जाते थे। तभी तो Ottoman Empire के समय में भी Lebanon Muslim majority नहीं हुआ, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर से बच के सारे टाइप के क्रिश्चियन सेक्ट्स लेबनान की शरण में ही आए। अराउंड 1970 जब पैलेस्टाइन एक्सोडस हुआ था, तो पैलेस्टाइन के सारे मुस्लिम रेफ्यूजीज वो लेबनान गए, जबकि इस्लामिक कंट्रीज लाइक जॉर्डन एंड ईरान, इन्होंने इन रेफ्यूजीज को लेने से मना कर दिया। दिस वॉज स्ट्रेटेजिक, आपको पता चलेगा आगे। बट अब ये जो सब रेफ्यूजीज हैं वो लेबनान में सेटल हुए और फिर वहाँ हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इन्होंने वहाँ की डेमोक्रेटिक पोजीशंस लेना स्टार्ट कर दिया, सपोर्टेड बाय पीएलओ एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी पॉलिटिक्स ये लेफ्टिस्ट बैनर के अंदर करते थे, जबकि लेफ्ट या सेक्युलर या कम्युनिज्म से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। और खुद को विक्टिम और हेल्पलेस प्रोजेक्ट किया जाता था, और जो लोकल नेटिव क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी उनको अग्रेसिव राइटिस्ट टैग किया जाता था। आई होप आपको एक स्केरी सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी, आगे और भी डरावना है। 1975 आते आते मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई थी 44%। तब यहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। इस टाइम क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी 54%। लेट मी कीप दिस नंबर ऑन द स्क्रीन राइट हियर। सिविल वॉर खत्म हुआ 1990 में, और तब मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई थी 54% और क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी 40%। इसका कारण था इंटरनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पड़ोसी देशों से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और क्रिश्चियंस का मास जेनोसाइड। 1991 तक लेबनान में डेमोक्रेसी पूरी तरह खत्म हो गई थी, और हिजबुल्ला, हमास और पीएलओ जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां से अपना काम करने लगे थे। सिर्फ 15 साल लगे लेबनान को एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रेनिंग कैंप बनाने में। अब इससे भारत का क्या लेना देना है वो देखते हैं। और वो समझने के लिए अगर मैं आपको कुछ 4 स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज ही बता दूं जो वहाँ के लोकल क्रिश्चियंस ने किया था और हम कर रहे हैं आज भारत, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भारत में आने वाले समय में क्या हो सकता है। जो वो कर रहे हैं वो बहुत प्रेडिक्टेबल है। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज दे लेट रेफ्यूजीज इन। तो पैलेस्टाइन और जॉर्डन से रेफ्यूजीज आ रहे थे, लीगल और इलीगल दोनों। उन्होंने बोला अरे बेचारे रेफ्यूजीज हैं, शेल्टर चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आने दिया, कुछ गलत नहीं किया ऊपर को, और ये तो एक लंगर जैसा डाला था। इससे फिर दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रास्ता मिला अंदर आने का। बस ऐसे ही करते करते पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई।
कंट्री के अंदर और बाहर दोनों तरफ से अटैक होने लगे, और ये एग्जैक्टली भारत में भी हो रहा है। कहां कहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रेफ्यूजीज आ रहे हैं, असम का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देख लो, या फिर ये फैक्ट कि 28 में से 8 स्टेट्स में ऑलरेडी हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है। लेबनान में एक सिटी में रहने वालों को लगता था कि ये दूसरी सिटी में कुछ वायलेंस हो गया, छुटपुट इधर उधर के कुछ वायलेंट इंसिडेंसेस हैं, और इंटरनेशनली भी उन्हें कभी ग्लोबल क्रिश्चियन कंट्री से सपोर्ट मांगने का दिमाग में नहीं आया, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी कंट्री के अगेंस्ट इंटरनेशनल स्कीमिंग चल रही है। सेम भारत में भी हमको लगता है कि अरे ये राइट्स तो दिल्ली में हो रहे हैं, ये तो बेंगलोर का प्रॉब्लम है, एक्सोडस तो बंगाल में हो रहा है या कश्मीर में हुआ था, ये वहाँ के लोगों का लोकल इशू है। इट्स रिडिकुलस कि हम कितने प्रेडिक्टेबल पाथ पे चल रहे हैं, हम कितने शॉर्ट साइटेड। एग्जैक्टली हाउ द क्रिश्चियंस इन लेबनान रिएक्टेड, हेंस वी आर डेस्टिन टू व्हाट दे वर डेस्टिन टू अनलेस वी चेंज आवर वेज। हम डेमोग्राफी का खेल ही नहीं समझ पाए। पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसपे ना लेबनान के क्रिश्चियंस ने ध्यान दिया था और ना भारत के हिंदूज ध्यान दे रहे हैं। हमारा ध्यान की काय पे है, हम दो हमारे दो, या फिर ये सेंट्रल मिनिस्टर ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी ट्विटर पर, या फिर एक एडिटेड वीडियो सदगुरु का जिसमें उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। बस इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहो, इसमें ही डाइवर्टेड रहो, और जो मेन मुद्दे हैं, जो कल्चरल एक्सिस्टेंशियल इश्यूज हैं, उनमें दिमाग मत लगाओ। वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे हिज़्बुल्लाह को नेबर सीरिया से कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता था, पैसा, इंटेलिजेंस, आर्म्स और जो भी रिसोर्सेज लगते थे। उधर जॉर्डन से कंटिन्यूसली इमिग्रेंट्स आते थे जो डेमोग्राफिकली हेल्प करते थे। भारत के पास भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हैं जो कंटिन्यूसली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं और एक्सेसिव इलीगल इमिग्रेशन भी करते हैं। तो हमारे पास इतना सॉलिड एग्जाम्पल है लेबनान का, वहाँ जो जो हुआ है भारत में भी वो हो रहा है, और उस पर वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन ने जैसा जैसा रिएक्ट किया था हम भी वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनके साथ जो हुआ हमारे साथ भी वो हो सकता है, जेनोसाइड, एक्सोडस और एंड में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। आई मे बी रॉन्ग एंड आई होप आई एम रॉन्ग, बट अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि भारत भी उसी रास्ते पे जा रहा है जिस पे लेबनान चल रहा था। बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी होप है, लोग जाग रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। सो गुड टू सी पीपल कमिंग आउट एंड सेइंग थिंग्स लाइक हमको हमारे फेस्टिवल्स मनाना मत सिखाओ। दुनिया का एक लौता देश है जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, अगर हम यहाँ भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाओगे? इनफ इज इनफ, देर इज अ नॉइस, नॉइस ऑफ पॉजिटिव चेंज, लेट्स मेक इट लाउडर, लेट्स मेक इट हर्ड। जय हिंद, जय भारत। इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। This is high time for us to unite, so please come and join the cause by filling out the Google form in the description below. And also, if you have any suggestions, please leave them in the comments below. Thank you for watching and see you in the next episode of Breathing History.